सेकेंड क्लास की बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर है रामू एंड द मैंगोज, रामू और आम। इसमें चैप्टर के बारे में बताया है कि बीइंग ग्रेडी मीन्स यू वांट मोर एंड मोर ऑफ समथिंग। लालची होने का मतलब होता है कि तुम किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रखना। यू कैन बी ग्रेडी फॉर जस्ट अबाउट एनीथिंग इंक्लूडिंग फूड ड्रिंक मनी और फेम। तुम लालची किसी चीज़ के बारे में हो सकते हो, जैसे कि भोजन हो, पानी हो, पैसा हो, नाम हो, किसी भी चीज़ के बारे में आदमी लालची हो सकता है। पीपल हु आर ग्रेडी, जो लोग लालची होते हैं, डिजायर मोर देन इज नीडेड और डिजर्व्ड, वे अधिक पाने की इच्छा रखते हैं तो उनको वे उसका फल भी भुगतने के लिए उसका फल भी भोगना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रेड इज़ ए बैड थिंग, लालच बहुत बुरी चीज़ है। बींग ग्रेडी, लालची होना वी कैन बी डिसऑनेस्ट, हमें बेईमान बना देता है। एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर ए ह्यूमन करेक्टर, और यह एक मानव चरित्र के लिए सही नहीं है। अब हम लेसन के बारे में पढ़ते हैं। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में एक धनी व्यक्ति रहता है। रिच मैन, धनी व्यक्ति, स्मॉल टाउन, छोटा कस्बा। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में एक धनी व्यक्ति रहता है। वन डे ही ब्रॉट होम टू लार्ज एंड जूसी मैंगोज, लार्ज बड़े जूसी रसीले। एक दिन वह अपने घर दो बड़े और रसीले आम लेकर आता है। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट, सर्वेंट मीन नौकर, वह उनको अपने नौकर को देता है। एंड सैड और कहता है, हे रामू टेक इट दीज टू द किचन एंड कट देम, इन्हें रसोई में ले जाओ और काट लो। मेक टू कप ऑफ कॉफी टू, और दो कप कॉफी के भी बनाना। ए फ्रेंड ऑफ माइंड विल बी कमिंग सून, मेरे एक मित्र जल्दी ही आने वाले हैं। ब्रिंग टू द मैंगोज एंड कॉफ़ी व्हेन ही कम्स, जब वह आए तो आप आम और कॉफ़ी लेकर आना। रामू टुक द मैंगोज टू द किचन एंड कट देम विद ए नाइफ, रामू उन आम को रसोई में लेकर जाता है और एक चाकू की सहायता से उनको काटता है। देन टू मेक श्योर दे वर नॉट श्योर, इसलिए वह उन आम से निश्चित होना चाहता है कि वह कहीं खट्टे तो नहीं हैं। ही पुट वन पीस इन हिज माउथ, वह एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लेता है। हाउ स्वीट इज टेस्टीज, इनका स्वाद कितना मीठा है। इफ आई ईट जस्ट वन मोर पीस, मैं एक पीस और खा लेता हूँ। द मास्टर विल नेवर नो, मास्टर उसके मालिक को कभी पता नहीं लगेगा, उसके मास्टर को कभी पता नहीं लगेगा। ही थॉट, वह सोचता है। ही पुट वन मोर पीस इन टू हिज माउथ, इसलिए वह एक पीस और उठा के अपने मुंह में रख लेता है और खा लेता है। वन मोर, एक और रख लेता है और खा लेता है। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद द प्लेट वॉज एम्प्टी, जो प्लेट होती है वो खाली हो जाती है। एम्प्टी मीन्स खाली, प्लेट है वह खाली थी। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइटेंड, रामू को थोड़ा सा डर महसूस हुआ। द मास्टर वॉज श्योर टू बीट हिम, कि वह उसका मालिक जो था वह उसका निश्चित ही पीटेगा। जस्ट देन ही हियर्ड हिज मास्टर कॉलिंग, तभी उसको अपने मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है। रामू हैव यू कट द मैंगोज, क्या तुमने आम काट दिए। कीप द कॉफ़ी रेडी टू, क्या कॉफ़ी भी रेडी है। माई फ्रेंड्स विल बी हेयर एनी मिनट्स, मेरे मित्र कुछ ही मिनट्स में यहाँ आते होंगे।